बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा। अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि 20 नवंबर 2024 के इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फॉर्म के लिए 2 दिन बाकी हैं। इन 2 दिनों में से कल इंशाअल्लाह हम भी अपना नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करेंगे और उसके लिए हमने वक्त मुकर्रर किया है कि जुहर की नमाज़ के बाद मशावरत चौक पर जमा होंगे और यहाँ से इंशाअल्लाह हम लोग शहर की मुख्तलिफ शाहराहों से गुज़रते हुए वक्त से पहले इंशाअल्लाह प्रांत ऑफिस पहुँच करके अपना फॉर्म दाखिल करेंगे। मैं इस प्रोग्राम के लिए मालेगांव शहर में जितने हमारे हमदर्द खैरख्वाह हैं, हमारे जितने वर्कर हैं, उन तमाम लोगों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि कल जुहर बाद मशावरत चौक तशरीफ़ लाएँ और इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए सलीके के साथ बग़ैर किसी शोर शराबे के और बग़ैर किसी हुल्लड़बाजी के साथ में चल करके फॉर्म सबमिट करने के लिए हमारा तआवुन करें। और अहलियान शहर, ख़ास तौर पर अपने बुज़ुर्गों से, माओं से, बहनों से, अपने बेटों से, अपनी बहनों और बेटियों से मेरी ये गुजारिश है कि अल्लाह का नाम लेकर उसकी ज़ात पर एतमाद और भरोसा करते हुए, हमने अपने शहर की तामीर और तरक्की के लिए सियासत में कदम रखा था और अल्हम्दुलिल्लाह एक हद तक उसमें हम कामयाब भी हैं। हमने जिन कामों का आगाज़ और शुरुआत की है, हमें अगला मौका आपकी तरफ से मिलेगा तो उन तमाम बड़े बड़े कामों को हम लोग पाए तकमील तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। 5 साल के अरसे में 2 साल 2.5 साल कोरोना काल के गुज़र गए, जो 2.5-3 साल हम लोगों को मिला है उसमें हमने जो काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह पूरा शहर उससे मुतमईन है। आज जो लोग हमें कहा करते थे कि ये नाकारा हैं, निकम्मे हैं, नाअहल हैं, आज ये बात कहना उन लोगों ने छोड़ दिए। आज सिर्फ ये कह रहे हैं कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है। आज हम काम बताने की पोजीशन में है और हम ये कह रहे हैं कि पूरे शहर के अंदर अगर कोई काम हो रहा है तो वो हमारा ही काम है। इसलिए अपनी माओ बहनों से ख़ास तौर पे गुजारिश है कि वो दुआ करें अल्लाह ताला 2024 के इस इलेक्शन में माजी के मुकाबले में ज़्यादा वोटों के साथ हमें कामयाबी अता करें। आमीन।